हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक सम्मोल और मेरे पास है जियो फोन का F10Q मॉडल है F10Q। तो दोस्तों, आज हम इसको फ्लैश करेंगे, तो कैसे फ्लैश करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। F10Q को कैसे फ्लैश करना है, अगर आपका ये जियो लोगो में रुक रहा है या फिर हैंग हो रहा है, अगर आप इसको फ्लैश करना चाहते हैं तो कैसे इसको आप फ्लैश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको फ्लैश करने से पहले आपको चाहिए इसका टूल, इसका फ्लैश फाइल चाहिए, और आपको चाहिए क्वालकॉम का USB ड्राइवर। अगर आपका PC मांगता है नेट फार्मवेयर 4.0, तो आपको उसको भी नेट से गूगल से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये चारों चीज़ चाहिए आपको। तो देखिए पहले कैसे क्या करना है, चलिए फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम डाउनलोड करेंगे USB ड्राइवर। तो देखिए आपको ऐसे ड्राइवर मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा आपको क्वालकॉम USB ड्राइवर, ये इसको आपको ओपन कर लेना है। पहले इसको आपको कर लेना है एक्स्ट्रैक्ट हियर, ठीक है, एक्स्ट्रैक्ट हियर कर लेना है। एक्स्ट्रैक्ट हियर करने के बाद आपको ऐसे मिल जाएगा सेटअप, और यहाँ पर एक लिखा होगा क्वालकॉम ड्राइवर। तो पहले आपको इसको करना है सेटअप, हम करते हैं इसको पहले सेटअप। इसको सेटअप करने के बाद देखिए, पहले सेटअप होने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आई एक्सेप्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। इंस्टॉल, फिर से इंस्टॉल, फिर से इंस्टॉल, फिर से इंस्टॉल, फिर से इंस्टॉल, फिनिश हो गया अभी आपका। तो देखिए ये तो सेटअप हो गया ना, अभी आपको क्वालकॉम ड्राइवर के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालकॉम, उसके अंदर ड्राइवर, इसके अंदर जो है ना QCSCR, इसका ज़रूरत आएगा आगे, ठीक है, मैं बताऊँगा कहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ेगा। चलिए तो हम अभी चलते हैं माई कंप्यूटर में, और राइट क्लिक यहाँ पर प्रॉपर्टी में, यहाँ पर आएंगे हम डिवाइस मैनेजर में, डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पर अभी हम करेंगे फ़ोन को कनेक्ट, देखते हैं फ़ोन कनेक्ट होता है या नहीं। क्या करना है आपको, सिंपली इसमें बैटरी लगाना है, डाटा केबल को लगाना है PC का पीछे, और आपको यूज करना है ओरिजिनल डाटा केबल। तो देखिए यहाँ पर दो, देखिए यहाँ पर जो शॉर्टकट की है ना, यहाँ पर माइक का सिंबल दिया हुआ है, इसकी शॉर्टकट की है ये ऊपर वाला की, ये वाला की, ऊपर वाला की, ये वाला की को प्रेस करके आपको केबल को लगा लेना है। तो देखिए आप कैसे ब्लिप करेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ब्लिप करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर एक पोर्ट आ जाएगा, क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर 9008, मेरा पकड़ा है कहाँ पर, COM10 में, ठीक है, COM10 में पकड़ा है। लेकिन यहाँ पर आपका है येलो मार्क, देख रहे हैं आप, ड्राइवर तो कॉम शो कर रहा है लेकिन यहाँ पर आपका है येलो मार्क में। तो ये मार्क को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर कर राइट क्लिक, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ब्राउज माई कंप्यूटर, लेट मी पिकअप, और हैबिट डिक्स, यहाँ पर हैबिट डिक्स ब्राउज, और आप इसको जहाँ पर रखे होंगे ये ड्राइवर को, मैं रखा हूँ कहाँ, डी में, और ये डी का अंदर मेरा है यहाँ पर क्वालकॉम USB ड्राइवर, यहाँ पर ड्राइवर, उसके अंदर आपको आ जाएगा क्वालकॉम ड्राइवर, उसके अंदर हम चलेंगे यहाँ पर क्वालकॉम में ड्राइवर, और ये आपका आ गया QCSCR, इसको क्लिक, और यहाँ पर ओपन, ओके, यहाँ पर इसको सिलेक्ट, यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है। आप जहाँ पर रखे होंगे आपको वहाँ से उसको लाना है। तो देखिए अभी आपका क्या हुआ, यहाँ पर येलो मार्क जो था वो आपका हट गया, और आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप फ्लैशिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर आपका पकड़ेगा नहीं। चलिए अभी ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर लीजिए, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमको, और सेट को भी हम यहाँ से अभी डिसकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी डिसकनेक्ट करने के बाद आपको चाहिए क्या, अभी ड्राइवर तो हम दे दिए, अभी हमको चाहिए क्या, फ्लैश टूल चाहिए और चाहिए फ्लैश फाइल,
तो आपको ऐसे फोल्डर मिल जाएगा, लिखा होगा F10Q। तो इसको अभी राइट क्लिक यहाँ पर करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर। जो पासवर्ड है वो था 1234, ठीक है। मैं पासवर्ड भी आपको दे दूंगा यहाँ पर। ओके ओके करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर फ्लैश फाइल और फ्लैश टूल आ जाएगा यहाँ पर आपको, ये दोनों। ये है आपका फ्लैश फाइल, ये आ गया फ्लैश फाइल बैक, और ये आपका है QPST, ये है फ्लैश टूल। तो इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पर दिया हुआ है सेटअप, ये वाला सेटअप, इसको आपको सेटअप कर लेना है। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। फिनिश, अब इसको लीजिए क्लोज। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ इसको कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर विंडो में चलेंगे, यहाँ पर स्टार्ट में, और यहाँ पर आपको चलेंगे ऑल प्रोग्राम में, नीचे आना है आपको। देखिए जो अभी इंस्टॉल हुआ है, देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, इसलिए वो अभी येलो मार्क में है। देखिए यहाँ पर QPST और ये वाला QFIL टूल को आपको करना है सिलेक्ट, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो आपका ऐसे टूल ओपन हो गया है, अभी यह है आपका टूल। तो अभी यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम पाथ, यहाँ पर ब्राउज कर लेते हैं, सॉरी सॉरी, हाँ प्रोग्राम पाथ, नहीं, प्रोग्राम पाथ नहीं, हम यहाँ पर करेंगे लोड कंटेंट, ठीक है, लोड कंटेंट, सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, लोड कंटेंट नहीं, पहले हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं फ्लैट में, मेटा में है अभी, तो हम इसको हम कर लेंगे अभी, थोड़ा इसको क्लोज कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, कैंसल, फिर से यहाँ पर करते हैं ऑल प्रोग्राम, और यहाँ पर QPST QFIL, अब ये टूल ओपन आपका ओपन हो चुका है, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर मेटा में है अभी, इसको फ्लैट करना है, और यहाँ पर करते हैं यहाँ पर ब्राउज, और डेस्कटॉप पर जहाँ आप रखे होंगे, जहाँ पर आप रखे होंगे, मैं रखा हूँ डेस्कटॉप पर QF10Q, यहाँ पर फ्लैश फाइल, इसको करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर ओपन हो गया। अभी आपको चलना है, यहाँ पर देना है लोड XML, क्लिक, इसको करना है सिलेक्ट, वही सेम फोल्डर में, यहाँ पर देखिए F10Q ओपन, फिर से पूछेगा, अभी देखो पाथ 0, फिर से पूछा ना, और यहाँ पर ओपन हो गया, इतना सा काम है और कुछ नहीं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिख लिया नो पोर्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है नो पोर्ट अवेलेबल, तो अभी फोन को करेंगे कनेक्ट, बैटरी लगाएंगे और डाटा केबल को लगाना है पीसी का पीछे, और ये ऊपर वाला की को प्रेस करके बूट की को केबल लगा लेना है, अभी ये ब्लिप करेगा, हो गया ब्लिप। चलिए अभी पोर्ट आपका पोर्ट अभी पकड़ लिया, देखिए यहाँ पर COM10 वाला पोर्ट, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यहाँ पर देना है डाउनलोड बटन, ओके। अभी आपका सक्सेसफुली फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, देखिए फ्लैशिंग चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये टूल को दोस्तों देखिए, अगर आप कहीं से भी किए होंगे, अगर आप ये टूल को इंस्टॉल नहीं करेंगे ना, अगर डायरेक्ट ओपन करके उसमें फ्लैश करेंगे, तो आपका एरर आएगा, फेरस का कुछ एरर आएगा, ठीक है। तो आपको ये टूल को इंस्टॉल कर लेना है, तब जाकर ये काम करेगा। अभी यहाँ पर लिख चुका है डाउनलोड सक्सेस। तो अभी हम क्या करेंगे, केबल को निकालेंगे,
फिर से बैटरी लगा लेंगे, फिर से बैटरी लगाएंगे इसमें और सेट को करेंगे अभी हम ऑन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं इंग्लिश को सिलेक्ट, एक्सेप्ट, यहाँ पर कर लेते हैं एक्सेप्ट और आपका ये सक्सेसफुली अभी आपका फ्लैश हो चुका है, ठीक है। और IMA नंबर स्टार हच 06 हच वो भी परफेक्ट है। ओके ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। Thank you.